Hello friends welcome to AM Pedagogics here i would like to revolutionize neat inspire solve एंड आंसर मॉकटेस्ट लिख लेके आई हूँ बेस्ड ऑन डाइजेशन एंड एब्सॉप्शन जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें आंसर करें कमेंट सेक्शन में अपने आप को इवेलुएट करने के लिए इन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है इन्हें सॉल्व करने से पहले आप ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लें रिवीजन के लिए मेरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है आंसर की जल्द ही मिल जाएगी आपको लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट इन विच Type of dentition. Each tooth in the buccal cavity is embedded in a socket of jawbone. Option A. Heterodont. Option B. Diphyodont. Option C. Thecodont. Option D. Monophyodont. Next question is question two. Emulsified fat is broken down to fatty acids and glycerol by option A. Lipase. Option B. Amylase option C trypsin option D bile salts next question 3 is the common hepatopancreatic duct is guarded by option A crypts of Lieberkuhn option B lacteals option C pyloric sphincter and option D sphincter of Oddi moving to next slide question 4 is digestion of both starch and proteins is carried out by ऑप्शन ए गैस्ट्रिक जूस ऑप्शन बी गैस्ट्रिक लिपेज ऑप्शन सी पेनक्रियाटिक जूस ऑप्शन डी टाइलिन साथ के साथ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भी देते जाएं अपने आप को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव व्हाट एन डक्ट इज द डक्ट ऑफ ऑप्शन ए पेरोटिड ग्लैंड ऑप्शन बी सबलिंगुअल ग्लैंड ऑप्शन सी अगर आपको लगता है कि तीनों की तीनों ऑप्शन क्वेश्चन फिलअप of elementary ऑफ from esophagus to rectum possesses dash layers. कितनी लेयर्स होती है एलिमेंट्री केनाल की वॉल की ईसोफिगस से लेकर रेक्टम तक Option A, two layers. Option B, three layers. Option C, four layers. Option D, five layers. Next question is Question 7. HCL secreting cells present in the stomach are Option A, auxintic cells. Option B, peptic cells. Option C, chief cells. And Option D, mucous neck cells. Next question question number 8 which of the following is a protein deficiency disease option a eczema option b cirrhosis option c night blindness and option d kwashiorkor deficiency diseases pe video ka link description section mein hai watch the video and answer my question next question question 9 is what is common among amylase renin and trypsin रेनिन और ट्रिप्सिन में कॉमन क्या है ऑप्शन ए ऑल आर प्रोटीन्स ऑप्शन बी ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन डी ऑल एक्टर्स पी एच लोअर देन सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है एजर्शन रीजन स्टेटमेंट पर बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स गिवन है एक है एजर्शन और एक है रीजन अगर एजर्शन स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट दोनों ट्रू है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन स्टेटमेंट आप चूज करेंगे ऑप्शन ए अगर एजर्शन और रीजन बोथ ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन देन आप चूज करेंगे ऑप्शन बी अगर एजर्शन स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप चूज करेंगे ऑप्शन सी लेकिन अगर एजर्शन रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो आप चूज़ करेंगे ऑप्शन डी लेट मी रीड एजर्शन रीजन स्टेटमेंट जूस रीजन गिवेन फॉर सी ऑप्शन करेक्ट है समझे आंसर करें इस क्वेश्चन को मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इलेवन एब्सॉर्पन ऑफ वॉटर सिंपल शुगर एंड एल्कोहलिट सेक्ट्रा टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए माउथ ऑप्शन बी स्टमिक ऑप्शन सी रेक्टम एंड ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन वॉटर की अल्कोहल की, absorption, और alcohol की absorption कहां पे होती है इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्वेल्व रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज इज स्टिमुलेटेड बाय ऑप्शन ए सिक्रिटिन ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजेन ऑप्शन सी cholecystokinin, and option D enterokinase. Next question of the mock test question 13 is Heparin is produced by option A kidney cells, option B blood cells, option C bone marrow, option D liver cells. Next slide question 14 is The wave like muscular contractions of the digestive tract is called option A mastication option B assimilation option C peristalsis and option D stimulation next question question 15 is partly digested food that leaves the stomach is called option A chyle option B chyme option C bolus and option D स आपको लगता है इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है देन चूज द ऑप्शन डी अदरवाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन असेंशियल फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज वो विटामिन जो एरिथ्रोसाइट्स की मैन्युफेक्चरिंग के लिए जरूरी है ऑप्शन ए विटामिन के ऑप्शन बी विटामिन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी विटामिन ए ऑप्शन डी विटामिन डी नेक्स्ट स्लाइड मूविंग टू सेवन क्वेश्चन एंजाइम एक्टिवेटेड बाय एचसीएल फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रीट होता है एचसीएल और एचसीएल कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है ऑप्शन ए ट्रिप्सिनोजेन ऑप्शन बी पेप्सिनोजेन ऑप्शन सी रेन एंड ऑप्शन डी Chymotrypsin. Next question of this questionnaire, question 18 is Pulp cavity of teeth is lined by option A, Odontoblast. option B, chloroblast, option C, osteoblast, option D, and myeloblast. Next question, question 19 is The total number of canines in the permanent dental set of humans is? Humans keep permanent dental set may. टोटल नंबर ऑफ के कितने होते हैं ऑप्शन ए एट ऑप्शन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी सिक्स ऑप्शन डी फोर जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एजर्शन रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है अगर एजर्शन स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन स्टेटमेंट की तो आप चूज करेंगे ऑप्शन ए अगर एजर्शन और रीजन ट्रू है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन की तो आप चूज करेंगे ऑप्शन बी और अगर एजर्शन ट्रू स्टेटमेंट है और रीज़न फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप चूज करेंगे ऑप्शन सी अगर एजर्शन रीजन दोनों फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं तो आप चूज करेंगे ऑप्शन डी नाउ लेट मी रीड दीज स्टेटमेंट्स एजर्शन स्टेटमेंट इज प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और रीजन फॉर दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन हैज इम्परमीएबल वॉल मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 विच वन आर बाइल सॉल्ट्स बाइल सॉल्ट्स कौन-कौन से हैं ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन एंड बिलीवर्डिन ऑप्शन बी बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ऑप्शन सी बिलीरुबिन एंड सोडियम ग्लाइकोलेट ऑप्शन डी सोडियम ग्लाइकोलेट एंड टॉरोट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 22 इज सिक्रीटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन्स। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन क्या है वो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं दे आर सिक्रेटिड इन कहाँ सीक्रेट होते हैं ये ऑप्शन ए पिलोरिक स्टमक, ऑप्शन बी ड्यूडनम ऑप्शन सी ईलियम एंड ऑप्शन डी Esophagus. Moving to next question, question 23 Epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface option A, pinocytic vesicles, option B, microvilli, option C, zymogen granules and option d phagocytic vesicles moving towards second last question question number 24 digestion of protein is completed in option a duodenum option b duodenum and ileum option c ileum and option d stomach last but not the least question number 25 is it allows passage of partly digested food from stomach to the duodenum stomach say Deuterum की तरफ पार्टली फूड को कौन अलाउ करता है इट रेफर्स टू ऑप्शन ए ग्लोटिस ऑप्शन बी एपिग्लॉटिस ऑप्शन सी पिलोरिक स्विंगटर एंड ऑप्शन डी गेस्ट्रोइोफिजियल स्विंगटर जल्दी से अपने आंसर्स सेक्शन में different chapters, different topics के ऊपर आपके लिए मॉक टेस्ट आते रहेंगे आंसर की जल्द ही लेके आ रही हूँ आपके आंसर की वेट रहेगी मुझे इस सेशन को सॉल्व करने के बाद वेट करे मेरे नए लेक्चर की नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं